बेलारी के इन घने जंगलों में आखिर ऐसी कौन सी मुसीबत आ पड़ी जो वहां के इन आदिवासियों को अपना घर छोड़ना पड़ा? आखिर वो कौन है जिसने इनके घरों को जला डाला? इनको दर बदर करने के पीछे उसका मकसद क्या है? कहीं ये राजनीतिक खेल का हिस्सा तो नहीं? पुलिस अंधी बनी देख रही थी, पर कोई थी जो जाग रही थी। इस धधकती आग की सच्चाई को एक खोजी पत्रकार देविका ने नंगा करने की ठान ली। अपना बचा खुचा लेकर हमने यहाँ सर छुपाया है। जंगल की आग में हमारी जिंदगी भी राख हो गई है। गलती जंगल की नहीं है, उस हिम्मत सिंह की है। हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उसने नेताओं को, कानून को, सबको खरीद रखा है। हमने उन्हें जंगल काटने से रोक दिया ना, इसलिए उन्होंने जंगल के साथ हमारी जिंदगी भी खाक में मिला दी है। मेरी तो माँ है ये मिट्टी। आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे इस मिट्टी को बचाना चाहिए ना, तो मैं इस मिट्टी को उठा के कहीं दूर ले जाके छुपा दूंगा। भूखे आदमी को ये मिट्टी ही तो खाना खिलाती है। माँ की तरह ख्याल रखने वाली इस मिट्टी को उठाकर वो हिम्मत सिंह चुरा कर ले जाना चाहता है। उस कमीने हिम्मत सिंह को मैं ये मिट्टी चुरा कर नहीं ले जाने दूंगा। उसने हम गरीबों को बेघर किया है, उसे तो भगवान ने माफ नहीं किया। जंगल को तबाह करने में हिम्मत सिंह का हाथ है, एवरीबॉडी नोज इट। चूंकि ये जंगल जल चुका है, अब सरकार से वो इस जंगल को कोयले की खुदाई के लिए ले लेगा। भाई आपसे मिलने आई है। 1969 से इतने सालों तक यहाँ माइनिंग हो रही है इलीगली। 21,000 हेक्टर्स लैंड है ये। मेरे पिता को मारकर जमीनें हड़प ली। जब आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन है, तो आपने हिम्मत सिंह के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? उसे तो मार देना चाहिए। वो समाज का वो कीड़ा है जो धरती को खोखला कर रहा है। क्या हिम्मत सिंह को मार देना ही सलूशन है? अगर आप मीडिया से कहते तो। मिस देविका, सरकार और मीडिया दोनों उसके हाथ की कठपुतलियां हैं, और चाहते हुए भी कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वो बहुत पहुंची हुई चीज है। वो किसी की भी सरकार गिरा या बना सकता है। You'll see the difference. We'll expose it. वो पैसे फेंक के तुम्हारा मुंह बंद कर देगा। मैं सब कुछ शूट करके टेलीकास्ट भी करूंगी। टेलीकास्ट करोगी? उसके लिए तुम्हारे सीनियर्स तुम्हें परमिशन नहीं देंगे। उसे छोटा मोटा गुंडा समझने की गलती मत करना। मैं किसी के बाप से नहीं डरता। I don't care. इतना जानो कि मैं सिर्फ देवी से डरता हूँ। हाँ, अगर किसी में दम है तो मुझे गिरफ्तार करवा के दिखा। है किसी के पास कोई सबूत? अरे मेरा तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेरे सर पर देवी माँ का हाथ जो है। हम यहाँ के जमींदार हैं। यहाँ की सारी खदानें मेरी जायदाद है। मेरी मर्जी के खिलाफ यहाँ की जमीनों पर ये खुदाई करवा रहा है, और उसकी एवज में ये बहुत कम किराया दे रहा है। वाटर बॉडी इज पोल्यूटेड हियर, द लैंड इज पोल्यूटेड हियर, पीपल्स हेल्थ इज गॉन, दे आर ओनली ब्रीदिंग आयरन डस्ट। व्हाट हैपेंस टू देम? इंक्वायरी करने दो उन्हें। सी, आई एम ऑनेस्ट पर्सन, आई डू माई बिजनेस लीगली। ही हैज मिक्स्ड पॉलिटिक्स, बिजनेस एंड क्राइम। सर, मैं कुछ नहीं जानता। हमें खबर मिली थी, हम उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं। किसने तुम्हें खबर दी? कोई जर्नलिस्ट है, वो सीबीआई इन्फॉर्मर है। कौन है वो जर्नलिस्ट? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि वो एक लेडी जर्नलिस्ट है। मुझे छोड़ दीजिए सर, मैं नौकरी ही छोड़ दूंगा। क्यों रे, नौकरी क्यों, जिंदगी छोड़ दे। मुझे छोड़ दीजिए सर, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सर। अरे तो तुझे चाइल्ड केयर सेंटर खोलना था, मेरे पीछे क्यों पड़ गया सैदा? सर सर नहीं सर, मुझे छोड़ दीजिए सर। पूरा इलाका छान मारो। जहां कहीं भी वो जर्नलिस्ट छिपी हो, उसे ढूंढ कर मार डालो। हिम्मत सिंह ने उसके साथ छोटा सा बिजनेस शुरू किया था। 15 सालों में लाखों करोड़ों कमाए उसने। पता है 1,000 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? 10 जीरो। न्याय की जगह अन्याय, अब यही इस देश का कानून है, इसीलिए देश का ये हाल है। ये गलत है। आप ही बताइए क्या करें। दिल्ली का बिजनेस क्या करें? जब हमारी चीज की अरे ओ दुर्योधन, दुशासन, कर्ण और शकुनी मामा, से भरे तेरे इस देह के टुकड़े टुकड़े करके मैं तेरे रक्त से इस धरती का अभिषेक करूंगा। अभिमन्यु कुमार,
चक्रव्यूह में प्रवेश तो सरल है पर निकलना बहुत कठिन है। तुम अभी बालक हो और ये बालकों का खेल नहीं है। मैं अभिमन्यु अपनी वीर माता की शपथ लेता हूँ, परमात्मा के साथ ही पार्थ की शपथ लेता हूँ, अपनी भूमि और अपने माथे पर लगे इस विजय तिलक की शपथ लेता हूँ, अपने इस देह के रक्त की अंतिम बूंद तक तुम सारे पापियों को मारने की शपथ लेता हूँ मैं। अरे गधे, पर्दा तो गिर जाने देता। तेरी एक्टिंग से वैसे ही गिरने वाला। बदतमीज है ये। ए, अभी पर्दा मत उठाओ। प्रभु, मेरा विवाहित जीवन सूना हो गया, मेरा सुहाग उजड़ गया। मैं तो बोर हो गया हूँ एक ही रोल कर करके। अगली बार कुछ नया ट्राई करेंगे। ये नाटक कंपनी बंद कराने के चक्कर में है तू? तभी मेरे कितने फैंस हैं। कृष्णा, आज तुझे क्या हो गया था? किस तरह के डायलॉग बोल रहा था तू? इसी पे तो तालियां बजती हैं। दूंगा एक हाथ। दादाजी, अरे समझाओ इसे। ऐसे एक्टिंग करेगा तो हमारे तो खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे। तुम्हारी डायलॉग डिलीवरी में अप एंड डाउन होना चाहिए था। अगर आपने डायलॉग में अप एंड डाउन लिखा होता तो मैं ऐसे ही बोलता। जब भी मुंह खोलता है ताने ही मारता रहता है। अच्छा ये बता, तू नौटंकी को इतना घटिया क्यों समझता है? अब ये नौटंकी कौन देखता है? जरा बाहर जाकर देखिए, ऑडियंस से ज्यादा तो आर्टिस्ट है। एक पैसेंजर होने पर भी ट्रेन जरूर छूटती है। नौटंकी भी ऐसे ही है, किसी भी हालत में शो मस्ट गो ऑन। इसीलिए तो रेलवे घाटे में है। हाँ बोलो। तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स और स्टैंप पेपर्स तैयार है। और बैंक रजिस्ट्रेशन के पेपर्स वो रेडी हो रहे हैं। दो गवाह साथ लेते हैं ना, मुझे उनके सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी। हाँ लेकर आऊंगा। ठीक है, मिलते हैं। तुझे बैंक के डॉक्यूमेंट्स क्यों चाहिए? मुझे अमेरिकन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है, 50% स्कॉलरशिप भी मिली है। वहां जाकर अपनी जिंदगी अपनी तरह से जीऊंगा। ये कब हो गया? मुझे बताए बिना तूने अपने आप इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले लिया? मैं कोई बच्चा नहीं हूँ दादाजी, मुझसे अब ये नौटंकी नहीं होती। अरे कितना टाइम? चले गदा दे, जल्दी करना। कितनी बार अब एक गिराना मत। अग्नी, कौन है ये राक्षस? बहुत अच्छे। घमंड मत कर कर्ण, अपना मुंह बंद कर बालक। ए, मैं कोई बालक नहीं, राजकुमार हूँ। चंड प्रचंड प्रतापी पराक्रमी महान भीम से इनका पुत्र हूँ। प्रलयकारी महान वीर पांडवों का वंशज हूँ। वीर घटोत्कच हूँ मैं। कर्ण, ये अपनी सीमाएं लांघ रहा है, अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। ब्रह्मास्त्र? वो तो मैंने अर्जुन के लिए बचा रखा है। राजा का आदेश है ये। धन्य हो गया वीर कर्ण, मैं धन्य हो गया। ए बालक, ए बालक, किसे बोला? मैं राजकुमार हूँ। आकाश, जल, नभ, वायु और इस समस्त धरातल में शाकाहारी मांसाहारी जीवों को हराने वाला मेरे जैसा कोई दूसरा वीर इस भूमि पर नहीं है। आज मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ मेरी माँ को, जिसने मेरा पालन पोषण किया। हे जन्मभूमि माँ, इस पुत्र का बलिदान स्वीकार करे। अब समय आ गया है कि मुझे अपनी ममता भरी गोद में छुपा ले। मुझे स्वीकार करे माँ। चल हो गया, अब क्या अनशन पर बैठेंगी? खड़ी हो जाइए। बात अच्छे, तू बीच में क्यों हंस रहा है? बेटा, तूने तो आज दिल खुश कर दिया। सर, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। बस मैं पहुंच ही रहा हूँ। ईश्वर करे इस कलाकार की उम्र लंबी हो। हाँ, ताकि आप मुझसे और नौटंकी करवाओ। अरे मेरा मतलब ये नहीं था। हाँ, अरे सुन तो, अरे तू अमेरिका क्यों जाना चाहता है? इस साल बेल्लारी नाट्य उत्सव में मैं तुझे ले जाना चाहता था। तुझमें कृष्ण का विराट रूप दिखाना चाहता था, जिसे देखकर दर्शक दंग रह जाते। दादाजी, इस तरह की नौटंकी से हमें क्या फायदा होगा? अपना जीवन कोई नौटंकी नहीं है। मैं ये नहीं करूंगा। दादाजी, जीने के लिए इतना ही काफी नहीं है, सबको अपनी जिंदगी चुनने का हक है। क्या कहा? सबको अपनी जिंदगी चुनने का हक है? अगर इन्होंने भी तेरी तरह सोचा होता ना, तो तू आज अनाथों की तरह दर दर की ठोकरें खा रहा होता। अरे ये तुम क्या अनाप शनाप बके जा रहे हो? नहीं नहीं, आज तो मैं बोल के रहूंगा। सुन ले, सड़क पर से उठाकर लाए थे तुझे यहाँ, और आज तू उनके एहसानों का बदला ऐसे चुका रहा है। जानता हूँ, मैंने बीटेक कोई नौटंकी करने के लिए नहीं किया है। मैं अमेरिका सिर्फ अपने लिए नहीं जा रहा हूँ, सबके लिए जा रहा हूँ। दादाजी, हमें भी समय के साथ बदलना चाहिए। कला वो है जो समय को बदल देती है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, इसके बाद तेरा अपना डिसीजन है। हाँ, जैसे मुझे कोई सपना देखने का हक नहीं है। दादाजी, आपका सपना सपना है और मेरा सपना कुछ नहीं है। तेरा सपना नींद में दिखता है और ये कला लोगों को जगाती है। ये सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं है,
ये जीना भी सिखाती है। हे हटना, लगता है अमेरिका जाना हवा हो गया। चाचा दादाजी ने वैसे ही दिमाग खराब कर दिया है, अब आप मेरी और मत हटाइए। नौटंकी के अलावा कुछ सोचता ही नहीं। लेकिन जो भी हो, तुमने उनका दिल दुखाया है। कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, देखना मेरी तरक्की से खुद खुश हो जाएंगे। चाचा जी आपको मेरे साथ चलना है। पर कहाँ पर? टू व्हीलर निकाल, तीनों को साथ में जाना। जाना है, बता तो कहाँ जा रहा है? जहन्नुम में। तो तू जा, मैं नहीं आता। बोलिए, वीजा चाहिए? पासपोर्ट के बिना भी वीजा मिलने की गारंटी है? यहाँ बैठने के लिए ढंग की कुर्सी भी नहीं। अरे बैठ जाओ भाई। अरे सुनिए, जरा इनकी फाइल निकालिएगा। ये बंदर जैसा दिखने वाला आदमी कौन है? ये बंदर है ना, बहुत पहुंची हुई चीज है। बिना पैसों के भी लोगों को बैंकॉक भेज सकता है। देख के लगता नहीं। ये लो भाई, इसमें तुम्हारे बैंक अकाउंट के डिटेल्स भर दिए हैं, चेक करके साइन कर दो। अरे इतना पैसा? हाँ, अमेरिका जाने के लिए अपनी प्रॉपर्टी दिखानी पड़ती है। प्रॉपर्टी हुई तो अमेरिका क्यों जाएंगे? अबे गधे, जो गरीब है वही अमेरिका जाना चाहते हैं, अमीरों के लिए तो अमेरिका यहीं पर है। चाचा यहाँ किस्मत साथ नहीं दे रही है, वहाँ जाकर किस्मत पलट रही है। ये कैसे करेगा? प्रॉपर्टी डिटेल्स लिख के यहाँ नीचे साइन कर दो। ए पागल समझा क्या? तू चाहता है कि हम अपनी सारी जायदाद तेरे नाम कर दें? इतने क्या है इसके पास? अरे है क्यों नहीं, मेकअप मटेरियल, दाढ़ी, मुकुट, गहने, प्रॉपर्टी की साड़ी, भीम की गदा, वो सब बेचकर तो मूंगफली भी नहीं आएगी। चुप कर, क्या बकवास किए जा रहे हैं? ड्रामा वालों के पास यही तो होता है। ये फॉर्म लो भाई, यहाँ पे दोनों की साइन करा लो और दोनों की फोटो भी लगाओ। ठीक है, फोटो भी? फोटो दे। हनुमान के गेटअप वाला चलेगा क्या? मेरी फोटो दुर्योधन के। सर जरा अपना फोन दीजिए। अच्छा ये लो। थैंक्स। चाचा जरा स्माइल देना। अब तू बत्ती से दिखा। सर कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकाले। ये सब कंप्यूटर से हो जाएगा? मैंने कहा था ना ये पहुंची हुई चीज है। ये तो सही में दही है। हाँ तो भाई, ये सारे डॉक्यूमेंट्स भर के ठीक से चेक कर लेना, और समझ में ना आए तो इनसे पूछ लेना। अरे सुनिए, जरा इनकी मदद कर दीजिए। फॉर्म भरने के 100 रुपया लूंगा। चार आने की मुर्गी 12 आने का मसाला हुआ। देख लो, ये आसान नहीं है, पैसा बचाने में कहीं गड़बड़ ना हो जाए। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ। इतनी देर से तुम गायब थे, मुझे तो लगा तुम अमेरिका चले गए। हाँ, तुम्हारी याद आ गई तो तुम्हें भी लेने चला आया। तेरी तो उठा लेगी क्या? बोल तो ऐसे रहा जैसे अमेरिका सच में जाएगा। तू कहीं गया है क्या? अरे गया हो ना। गया ए, चार बार नेपाल जा चुका हूँ। काठमांडू रुक। ए रात भर कहाँ था रे? अरे मेरी छोड़ो, आधी रात हो गई, सो जा। थोड़ा सरकिए ना दादू, दादू, दादू। देखो, अगर कृष्णा अमेरिका चला जाएगा तो हमारी नौटंकी कैसे चलेगी? अब हम सबको अलग हो जाना चाहिए। 5 मिनट में फोन करती हूँ। मुंबई से राज जी का फोन था, वो फिल्मों में काम करने के लिए जोर दे रहे हैं। तुम लोग जल्दी फैसला कर लो, नहीं तो मैं मुंबई चली जाती हूँ। चुप कर, तू ऐसे कैसे चली जाएगी? पिछली 7 पुश्तों से ये नौटंकी हमारा पेट पाल रही है, समझी? हाँ, तब ये नाटक कंपनी अच्छी चलती थी, पर अब ये तुम्हारी तरह बूढ़ी हो गई है, अब इसका चलना मुश्किल है। कौन बूढ़ी हो गई है? किसको बोला बूढ़ी? वो तो ऐसा है कि पैसों के लिए अपने जमीन को भी बेच दे। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस कला को गाली देने की? अरे इसे मार, इसे मारना, अमेरिका ये जाना चाहता है। दादाजी भी इसकी वजह से मर गया, अब क्या हम भीख मांग के कंपनी चलाएंगे? मारना है तो इसे मारो। अगर हीरो ही चला गया तो नौटंकी क्या खाक चलेगी, समझाओ इसे। तुम लोग आपस में इस तरह मत लड़ो, नहीं तो इनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ये मैंने क्या कर दिया? सॉरी कृष्णा, गुस्से में पता नहीं क्या क्या भूल गया। दादाजी की मौत के लिए तू जिम्मेदार नहीं है चाचा, मेरा मतलब ऐसा नहीं था। भैया जी, भैया जी, दादा, दादा, हर कोई अपने रास्ते जा रहा है, पर इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? मुझसे कहा था कि उनकी अस्थियां गांव के तालाब में विसर्जित करूं, जबकि ये तुम्हारा फर्ज है। मेरे बच्चे, उन्होंने तुम्हें नई जिंदगी दी और तुमने उन्हीं की जिंदगी खत्म कर दी। हिसाब बराबर हो गया, अपने दादू के लिए नाटक कर दो। मैं तुम्हारा ये क्या कर रहे हो? सारा जगत एक नाटक है, सारा जगत एक नाटक है।
पुरातन काल में पुराण में जो कहा गया है वो कहानी की तरह जरूर दिखता है, लेकिन उसके अंदर जीवन का असली सच छिपा होता है। जो भगवान की लीलाओं में कहा गया है, सारा जगत एक नाटक है, सारा जगत एक नाटक है। हे कृष्ण के विराट रूप में दादा तुम्हें देखना चाहते थे। बेल्लारी के नाट्य उत्सव में वो इसे करना चाहते थे। वो वहीं पैदा हुए थे, उन्हें हर साल वहां बुलाया जाता, पर वो वहां कभी नहीं गए। जानते हो क्यों? क्योंकि वो ये नाटक वहां करना चाहते थे, वो भी सिर्फ तुम्हें लेकर। बस एक बार ये नाटक वहां कर दो। पर ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो मुंबई जा रही हूँ। तुम बस इन्हें प्रवाहित करके। तुम इसकी चिंता मत करो कृष्णा। सुन, तू अमेरिका जाने की तैयारी कर बस। ए, आग क्यों लगा रहा है? मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, मगर बेल्लारी में नाटक करने की दादाजी की इच्छा पूरी करने के बाद। कुछ साल पहले यहां घना हरा भरा जंगल और गांव हुआ करता था, जहां के लोग खुशहाली से अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे। पर माइनिंग माफिया ने अपने स्वार्थ के लिए इस सुनहरी जगह को बंजर और बेजान बना दिया। खराब सड़क की वजह से कमर टूट गई। पहले वहां एक तालाब होता था ना? हाँ, यही तो था। गुरुजी, यहाँ एक तालाब हुआ करता था ना? यही तो है वो। तो अब वो तालाब कहाँ गायब हो गया? आप लोग बाहर से आए हैं? हाँ, हम लोग तो बाहर से आए, पर मेरे दादाजी यहाँ के थे। अच्छा। उनका नाम सूर्यवंशी था, वही जो नाटक करते थे। दरअसल उनका देहांत हो गया, उनकी अस्थियाँ यहाँ तालाब में विसर्जित करने आए थे। लेकिन बेटा, अब तो तालाब का पानी सूख गया है। तो फिर अस्थियों को कैसे? इन अस्थियों को नासिक की गोदावरी में प्रवाहित कर दीजिए। चलते हैं गुरुजी, धन्यवाद। कृष्णा, नाट्य उत्सव के बाद गोदावरी नदी में इसे विसर्जित करके चले जाएंगे। चलो। नाटक कंपनी वाले सूर्यवंशी थे ना, वो गुजर गए। क्या, सूर्यवंशी? हाँ। उन्होंने एक बच्चा गोद लिया था। अरे गणेश बेटा, हाँ? जाके वो गाड़ी रोक जरा। ठीक है। उछल क्यों रहे हैं? एक बार धर्मपाजी मेरे गांव आए थे, तब मैंने भी ऐसे ही टाटा किया था, टाटा। और आज ये मुझे टाटा कर रहा है। मैं इतना फेमस हो गया हूँ, ये मुझे आज ही पता चला। फैंस की कदर तुम क्या? हाँ, बोलो। कृष्णा, आज का शो शायद कैंसिल हो जाएगा। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि नाटक की रिहर्सल करनी है और तुम सबके सब गायब हो। यार, तूने आज के अखबार की हेडलाइन पढ़ी क्या? अरे ये तो रोज का है, ये हिम्मत सिंह लोगों को जीने नहीं देगा, सबकी जिंदगी नरक बना दी है उसने, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत भी तो नहीं है। हेलो। हाँ मामा, देविका, इस बार तुम्हारा क्या नाम लिखो? समीरा। हाँ मामा, ये नाम तो पहले भी यूज किया था। तो इस बार सुबह लक्ष्मी लिखो। ये कैसा नाम है? ये मेरी मम्मी का नाम है, लिखो। देखो, मुंबई के राज जी ने रोल के लिए 2000 का ऑफर किया है, उससे कम में मैं नहीं करूंगी। मुझे लड़का नहीं पसंद है, उसकी नाक कुछ ज्यादा ही लंबी है। ओके, आर्टिस्ट हूँ, 1000 रुपए नहीं चलेंगे। कौन सी पिक्चर में काम किया तूने? तुम सबने शोले देखी है? 4 लड़कियां होली वाले गाने में डांस कर रही थी, उन्हें देखने के लिए जो भीड़ लगी थी उसमें मैं भी थी। भीड़ में 4th लाइन की 5वीं वाली क्यूट वाली बच्ची मैं थी। मम्मा, यकीन करना है तो कर लो। अच्छा, तुम्हारा नाम तो पर्दे पे आया नहीं। हाँ, अरे तुमने पढ़ा नहीं था, जब फिल्म के अंत में दी एंड का टाइटल आता है ना और लोग निकलने लगते हैं, हॉल की लाइट ऑन होती है, तब आता है। अच्छा, मुझे लगा इसका ही नाम हेमा मालिनी है। और मैं कहा? देखो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं। अरे मम्मा, मेरे सामने एक लड़का खड़ा है, लंबा चौड़ा है, बिल्कुल ऋतिक जैसा, समझी? मैं काम नहीं करने वाली। देखो, ये हमारा आखिरी नाटक है। अरे समझो ना मम्मा, बहुत हैंडसम लड़का है, हाइट बच्चन साहब जैसी, आंखें शाहरुख जैसी, कोरा चिट्टा रंग है, कोई भी लड़की पसंद करेगी। आप देखेंगी तो आपको भी पसंद आएगा। अब बताओ क्या करें, यहाँ तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो रुको ना, मैं सॉल्व करता हूँ। तुम क्या सॉल्व करोगे? फ्लर्टिंग है। अच्छा ठीक है, अब मैं फोन रखती हूँ, बाय बाय।
देख तू पुरानी है इसलिए बोल रहा हूँ, वरना 1000 रुपए में तुझसे भी अच्छी मिल जाएगी। क्या मुझसे भी सुंदर हीरोइन लेकर आओगे? मैं भी देखती हूँ कहाँ से लेकर। शक्ल देखिए तुमने आईने में, फटी एड़ियों जैसी शक्ल है तुम्हारी। सुजाड़ बस्ती में तुम्हें मुझसे सुंदर लड़की मिलेगी कहाँ? अरे तुमसे सुंदर तो साड़ी में मैं लगूंगा। तुम तो एकदम बीच के लगोगे। फिर भी तुमसे सुंदर दिखूंगा। उसे घूरना बंद कर, वो काम नहीं आने वाली। मैं काम आने वाली हूँ, हिम्मत है तो उसे पूछ। हेलो, आज रात को फ्री हो? अरे छोटा सा काम है तुमसे, मैं तुम्हें 1 रात के 2000 रुपए दूंगा। काम अच्छा लगा तो तुम्हें फिक्स कर दूंगा। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो स्टूपिड? अरे वाह कितने प्यार से स्टूपिड बोला। दिल में बस गई। मुझे इम्प्रेस कर रहा है, चने के झाड़ पे चढ़ा रहा है मुझे। है कौन तू? कौन है तू? अरे है कौन? अबे कौन है तू? नाम है कृष्णा, हमारा आर्टिस्ट है। नया है क्या? लड़कियों को घूरता है और खुद को एक्टर कहता है? एक्टिंग का ये भी जानता है क्या रे? सर मैं तो अभी डोंट टॉक, मुंह बंद रख। तुम्हारे जैसे एक्टर लोग ही नाटक करने वालों को बदनाम करते हैं। उस दिन की बात लो, महाभारत हो रहा था, द्रौपदी की साड़ी उतारने का सीन था। कौरवों की छोड़ो, पांडव भी चिल्लाने लगे मैं उतारूंगा मैं उतारूंगा। ये सैंपल कौन है? रंग पंग है। शॉर्ट फॉर्म में क्यों बुला रहे हो? रंगमंच पंडित कहो। अरे गुरु जी नमस्कार। आशीर्वाद। बिल्कुल द्रौपदी जैसी दिख रही है। अबे तू भी झुक, पैर छू मेरे, आशीर्वाद ले मुझसे, एकदम मेरे लेवल का बना दूंगा। आपका लेवल मुझसे आधा है सर, पहले आप मेरे लेवल तक पहुंचे सर। अरे पिछाटो रे आपलू बबलू पिछाटो, क्या रे मेरी लंबाई का मजाक उड़ाता है? अब हाइट नहीं, मैं दिखाऊंगा तुझे अपना वेट। जल्दी पता चल जाएगा हम दोनों में कौन है ग्रेट। अरे इतनी देर से दूर दूर तक उसे ढूंढ रहा हूँ, वो कहाँ मर गया? अरे वो वहाँ क्या कर रहा है? मैडम अभी आपने जो सीन देखा ना, मैं उस कैरेक्टर के लिए आपसे पूछ रहा था, पर आप तो मुझे गलत समझ बैठी। मैंने गलत समझा? तुम मुझे चाहो या ना चाहो, पर मैं तुम्हें चाहता हूँ राजकुमारी। फिर तुम कहोगी दुनिया क्या कहेगी, फिर मैं कहूंगा कि दुनिया की भैंस की टांग। What? वैसे मेरा नाम कृष्णा है, तुम्हारा नाम क्या है? मैं तेरी मीरा। अरे कृष्णा तेरी एंट्री है, जल्दी आ। सुनो नाटक एंड तक देखना, मेरा धासु परफॉर्मेंस है एंड में। ए कृष्णा अब आ भी जा। जय पाताल भैरव, काली महाकाली जगत जननी, तू मेरी बलि स्वीकार कर, आज मैं यहां तेरे लिए आया। मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ, कहाँ है आप? ओके भाई साहब जरा सुनिए। क्या बात है? इस नाटक मंडली के सूर्यवंशी जी को मैं पहले से जानती हूँ, उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया था, वो कहाँ है? काली माँ के सामने अपनी इच्छा व्यक्त करो और वो उसे पूरी कर देगी। माँ मेरा विवाह राजकुमारी से हो जाए, मेरी इच्छा पूरी हो, पूरी हो मेरी इच्छा माँ, मेरी इच्छा पूरी हो जाए, मेरी इच्छा पूरी हो जाए, पूरी हो जाए मेरी इच्छा। अपने चारों ओर परिक्रमा मत करो, साष्टांग प्रणाम करना है। मैं एक राजकुमार हूँ, मुझे साष्टांग प्रणाम करना नहीं आता। झूठ मत कहो। हाँ तो आप भी प्रणाम करके दिखाइए। ये भी एक मूर्ख है। अब देखो साष्टांग नमस्कार के लिए घुटने के बल बैठो, इस तरह झुको। जय पाताल भैरवी। ये सुनो सुनो, हिम्मत सिंह जी आए हैं, चलो एक बार फिर से नाटक शुरू करो। अरे सुन नौटंकी बाज, हिम्मत सिंह जी आए, नाटक फिर से शुरू कर, चल जल्दी कर। नहीं हो सकता। क्या कहा? सर मेरे गुरु ने कहा है नाटक ट्रेन जर्नी जैसा होता है, एक बार चल दिया तो फिर एंड में ही रुकता है। अबे दो कौड़ी की एक्टर, फालतू बकवास मत कर, ये मेला इनकी बदौलत ही लगा है, हिम्मत सिंह साहब ने लाखों का चंदा दिया है। दौड़े, कला और कलाकार की मैं बेइज्जती नहीं करता, गलती मेरी है, अगली बार टाइम पर आऊंगा, आप जारी रखिए। वाह बहुत अच्छा किया जो तूने इसे डांट दिया, हमारे गांव के तालाब को सुखाने में इसी बदमाश का हाथ है।
बड़ी हिम्मत दिखाई तूने, शाबाश। सुनिए, आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। वो क्यों? आपने जो कुछ कहा स्पीकर पे सुनाई दिया। जय पाताल भैरवी। जय जय पाताल भैरवी। नमस्कार। नमस्कार। आपने मुझे क्यों रोका सर? मैं नहीं, इस वक्त मैं कोई गड़बड़ी नहीं चाहता। सबकी निगाहें इस उत्सव पर होनी चाहिए और हमारी निगाह अपने काम पर। उस लेडी जर्नलिस्ट को कहीं से भी ढूंढ निकालो। सर प्लीज, मुझे 2 दिन का समय और दीजिए। आई एम सेंसिंग डेंजर। बेहतर होगा तुम वहाँ से चली आओ। प्रसाद ने कहा है कि वो कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला है। देविका, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन पे जो सीबीआई ऑफिसर वहाँ गया था, सुबह से उसे कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा। भला इसी में कि तुम भी सावधानी बरतो। आई नो देविका, थैंक यू। बॉस का फोन था। अरे जब बड़े भैया ने उसे कुछ नहीं बताया तो हम उसे क्यों बताएं? उसके माँ बाप की कमी हमने उसे महसूस ही नहीं होने दी। अब उसे ये सब बताकर हम भला उसे दुख क्यों पहुँचाएं? बताओ बहन। जहाँ वो पैदा हुआ था वो गांव मिट्टी में मिल गया है। अगर मैं नहीं रही तो उसे सच बताने वाला कोई नहीं रहेगा। देखिए, अब उसे बताने का कोई मतलब नहीं है। वो अमेरिका जाने की जिद कर रहा है। अगर हमने उसे सच्चाई बता भी दी तो उसे नजरअंदाज करेगा। अरे क्या चल रहा है वहाँ? अरे बाहर कोई आया था, बोल रहा था नाटक फिर से शुरू करो, लेकिन कृष्णा ने उन लोगों को डांट कर भगा दिया। ए, अगला सीन तेरा है। हो रहा कृष्णा, जाओ जाके मिल लो उससे। जाओ बहन। बेटा, तुम्हारे दादू के गांव से है। नमस्ते माँ जी। मेरा प्यारा बच्चा, तुझे मेरी उम्र लग जाए और सारी उम्र तू खुश रहे। ठीक है माँ जी, मैं चलता हूँ। मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ, तुम्हारा नंबर चाहिए। ये ले तेरी पैंट। ये तेरा नंबर मांग रही। लिख लो, मेरा नंबर है। हटा सावन की कट्टा, जूनियर आर्टिस्ट। क्यों, प्रॉब्लम क्या है? मैं पसंद नहीं आया? तुम लोगों को बस लंबे चौड़े लोग ही पसंद आते हैं। इसकी बातों में मत आना, बहुत चालू लगती है। अरे वो कहाँ चली गई जो नाटक देखने आई थी? मैं इस लड़की की बात कर रहा हूँ और तू? अरे अपनी मूंछ तो उतार ले, समझ गया किसको ढूंढ रहा है? लगता है दिल आ गया उस पर। ठीक है। हाय, यही है जो स्पीकर पे लाउड बज रहा था। इसे खत्म कर डालें क्या? चुप कर। हिम्मत सिंह के लिए फिर से नाटक नहीं करेगा तू? ट्रेन जब आती है तभी बैठते हैं ना, छूट जाने के बाद वापस आओ। ऐसा कहने पर वो आती है क्या? नहीं ना, हिम्मत सिंह हो या हिम्मत वाला, हम नाटक नहीं करेंगे। शराबी को पीटता शर्म नहीं आती? वो लड़का कौन था? कृष्णा, वो हमारा हीरो है। अगर वो आ गया ना तो वो मुझे मारेगा। मारेगा। जब 60 हारमोनियम मिलाकर बजाओ तो जो सब अलग अलग आवाज पैदा होती है, कभी सुनी है क्या तूने? जब वो तुम्हारी बजाएगा ना तो ऐसी आवाज आएगी और कान बहरे हो जाएंगे। साला मुझे गाली देता साले। मेरी जबाने में जैसे चाहूँ जो चाहूँ कहूँ। सुनिए, अब क्या हुआ? सॉरी, आपने तो मुझे गलत समझ लिया। मैं तो सिर्फ एक्टिंग के लिए पूछ रहा था, सच में मजाक नहीं कर रहा। कृष्णा, कृष्णा, क्या हुआ? ओ चाचा वहां पर। चाचा, क्या हो गया चाचा? आसपास कोई हॉस्पिटल? बगल की गली में एक हॉस्पिटल है, वहीं ले चलते हैं। चाचा, चाचा। सर, आप एग्जीबिशन में आए क्यों नहीं? मैं आपका इंतजार कर रही थी। वो जगह सेफ नहीं थी। चक्रवर्ती के बारे में कुछ और पता चला? नहीं देविका, पर मेरे पास दूसरी इन्फॉर्मेशन है। हम केवल सरफेस आयन और माइनिंग के बारे में जानते हैं जो कि हम देख सकते हैं, और जो नहीं दिखता वो है अंडरग्राउंड आयन और माइनिंग, हिम्मत सिंह की असली कमाई। मतलब? फॉर एग्जाम्पल रेणुकम्मा घाट, वहाँ 200 एकड़ में माइनिंग होती है। ऊपर से तो वो मामूली सी लगती है, पर उसके नीचे अंडरग्राउंड माइनिंग चल रही है जो जमीन के नीचे 4,000 हेक्टेयर में फैली है। घरों के नीचे, गांवों के नीचे, खेतों के नीचे भूमि खोखली हो गई है, पानी गायब हो गया है और मिट्टी हिम्मत सिंह खा गया है। एलेक्स, कल सुबह रेणुकम्मा घाट चलेंगे, 8 बजे रेडी रहना। मैं नहीं आऊंगा। क्यों? देविका प्लीज, डॉक्यूमेंट्री बनाने तक तो ठीक था, और रिस्क नहीं ले सकता, प्लीज मुझे जाने दो। एलेक्स, वी आर दिस क्लोज। नहीं, आई एम सॉरी। सर एक कंप्लेन लिखानी है। क्या हुआ? किसी ने हमारे एक कलाकार की जबान काट ली। कब हुआ?
सर हाउ आर यू? फाइन, बस इनकी एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। ए, केस को आगे बढ़ाओ। जी सर। ए, कल के नाटक में तू ही था ना? हाँ सर। कृष्णा बीटेक, बहुत अच्छा बोलता है तू, है अच्छा आर्टिस्ट है। कल तो तूने मुझे भी उल्टा जवाब दे दिया था, क्यों बे? सर, किसी ने कल रात हमारे कलाकार की जबान काट ली। हाँ मालूम है मुझे, जबान फिसल गई थी क्या सर? अरे यार, दारू पीकर वो गधा मुंह के बल गिर पड़ा, जबान स्लिप हो गई, दांतों के बीच में आ गई, इसलिए कट नहीं थी। कटी नहीं है साहब, उस कलाकार की जबान काटी गई है। तूने देखा क्या? नहीं सर। अबे देख, जबान को फिसलने की आदत होती है, उसे संभालना चाहिए। अभी उसने ध्यान नहीं दिया तो वो गूंगा हो गया। अब तू भी यहाँ से चुपचाप चले जा, चल। बिना कंप्लेंट लिखाए यहाँ से जाऊंगा नहीं, कंप्लेंट तो आपको लिखनी ही होगी। ए पाटिल, तू इसकी फालतू कंप्लेंट लिखेगा क्या? ये नहीं लिखेगा। क्यों नहीं लिखेगा? तुझे हमारी सेवा करने के लिए बिठाया है, इन गुंडों के तलवे चाटने के लिए नहीं। साले, रिपोर्ट नहीं लिखने के लिए कितने पैसे मिले हैं तुझे? मेरी बेइज्जती करता है यार, तुझे मैं यही सिद्धा काट दूंगा, समझते क्या अपने आप को? अरे जाने दीजिए सर, मैं समझाता हूँ उसे। अपनी जबान को लगाम दे, ये नौटंकी नहीं, मेरा पुलिस स्टेशन है। क्या उखाड़ लेगा? ऐसा केस बनाऊंगा की जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। अब जाकर अपनी नौटंकी का चल, तेरी वर्दी उतरवा कर लूंगा। तू ये साला ज्यादा ही बोल रहा है। ए, जानता है तू किससे पंगा ले रहा है? हिम्मत सिंह से। कौन है ये हिम्मत सिंह? कौन है ये हिम्मत सिंह? सिर्फ जबान काट के रुक गया था, वरना गला भी काट सकता था। समझा इसको, जरा समझा इसको। तू उसके टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता है, एक काम कर, वर्दी उतार और जाकर उसका पिछोड़ा साफ कर। सर, मेरे बार बार कहने के बाद भी ये कंप्लेंट नहीं लिख रहा। तो मैं तेरी कंप्लेंट लिखूंगा और ना ही तुझे यहाँ घुसने दूंगा। जो करने का है कर ले, चल जा। अबे जा, घूमता क्या जा, चल। अरे चलो भी, उसे पाताल से भी निकाल कर उसकी जुबान खुद काटूंगा मैं, देख लेना। जा, ये सुख के राजा अपने घर पे देना। बेचारे की जुबान काट ली। भाई बेहतर होगा कि तुम भी अपनी जुबान बंद रखो। बस ये नवरात्र उत्सव खत्म होने तक यहाँ पर और कोई गड़बड़ मत करना। बस अपना काम करो और यहाँ से चले जाओ, समझ गए? टेक केयर। रुको, रत्ना से जाकर कहना गुरुजी बाहर इंतजार कर रहे हैं। किसका गुरु? रत्ना का गुरु। रात को तेरा नाटक देखा था, एक मिनट के लिए देखा था, लोग ताली बजा रहे थे, इस बात से तुम्हें खुश होने की जरूरत नहीं, वो मच्छर मार रहे थे। ये बताओ, 9 रस में से तुमने 7 इस्तेमाल किए, 2 छोड़ दिए, ऐसा क्यों किया? वो मैंने पी लिए। मजाक उड़ाता है, चल माफ कर दिया। तू अभी एक पत्थर है, अगर तुझे चमक चाहिए तो तुझे तराशने वाला चाहिए। मेरे चरणों में बैठ, हाथ में गुरुदक्षिणा दे, फिर देखना। रंग पंग मत कहो, रंगमंच पंडित कहो। तुम नौजवानों को हो क्या गया है? तुम लोग सुनते नहीं हो, समझते नहीं हो, शॉर्टकट मारते हो, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हो, सब कुछ शॉर्ट में करते हो। मेरा दिमाग खराब है, ज्यादा मत बोल, नहीं तो मैं तुझे और शॉर्ट कर दूंगा। यानी तू रंगमंच के पंडित को पीटेगा, इस महान कलाकार को पीटेगा, इस शानदार एक्टर को पीटेगा, सचमुच पीटेगा। जान गया, तू नहीं सुधरेगा, जान गया हूँ। इट्स ओके। भैया कुछ गुंडे आए थे भैया। यहाँ से पुलिस स्टेशन कौन गया था? बुड्ढे की जुबान कटना काफी नहीं था? तुम सब लोगों का दिमाग खराब हो गया क्या? सबकी जुबान काटूंगा, एक एक करके काटूंगा। ऐसे क्यों कह रहे हो? चुप कर। अरे क्यों रे, तेरी पहले काटू क्या? काटू? औरत को हाथ लगाता है, शर्म नहीं आती? भाई 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 भाई, देखो औरत है, जरा नरमी से बात करो ना। क्यों रे, पहले तेरा गला काटू? जो ज्यादा जुबान चलाते हैं उनका यही हाल होता है। खैर मना कि हमने उसे जान से नहीं मारा। ये क्या बे? छोड़ो छोड़ो इसे, ये मेरे भाई का अस्थि कलश है। ये तो राख है। ये सिर्फ राख नहीं है भाई, ये हमारी जिम्मेदारी है। छोड़ दो इसे, हमें दे दो। नहीं तो क्या करेगा बुड्ढे? कलाकार हो ना, जरा मेकअप तो लगाओ। ऐसा मत करो बेटा, कलाकारों की अस्थियाँ और किसी ऋषि मुनि की अस्थियाँ एक समान होती है, थोड़ी तो इज्जत करो। अरे वाह, ये नाटक नहीं हो रहा जो तू डायलॉग मार रही है। भैया, गोदावरी के पवित्र जल में इसको प्रवाहित करके हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, ये पुण्य का काम है। तेरे इस पुण्य से मेरा क्या फायदा? मैं एक काम करता हूँ, मैं खुद इसको प्रवाहित कर देता हूँ, मेरे अंदर भी जल है। पूरा झरना है। अरे तू इसको हाथ मत लगा, तू जा पानी लेकर इसको धो दे जरा।
बच्चू हो कृष्णा, मान लो मेरी बात। किसी पागल कुत्ते के छू लेने से दादाजी की अस्थियां अपवित्र नहीं हो सकती। उसका नाम सईदा है। धंधा कैसा चल रहा है? ठीक ठाक चल रहा है ना? ठीक है। क्या हुआ भाई, बहुत गुस्से में दिख रहे हो। पता है फिर भी पूछ रहा है। जाते वक्त सईदा इससे ही मिला था, मैंने देखा था। अरे वो नाटक के बारे में पूछताछ कर रहा था बस। सीधी तरह से बता रहा है या मैं उगलवाऊं? अरे उनसे पंगा मत ले, बुड्ढा तो मर गया, तू मरा तो नाटक मंडली अनाथ हो जाएगी। कहाँ मिलेगा वो सईदा, कहाँ मिलेगा जल्दी बता। हाँ मुझे नहीं पता वो कहाँ होगा। रुक जाओ, क्या कहा तूने? अभी कुछ कह रहे थे ना, तुम जानते हो सईदा कहाँ है? मुझे नहीं पता। अरे सुनो जरा, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? फिर से लड़ना है क्या? कोई घाट था ना, इतने सारे रेणुकम्मा घाट। ये मैंने कब कहा? ठीक है बच्चे, कुछ नहीं कर रहे हैं। काम काज छोड़ के यहाँ चले आए, चलो यहाँ से। पर हम झगड़ा थोड़ी कर रहे हैं, बस पूछ रहे हैं। भैया यहीं पर रुकना। ऐसे क्यों देख रहे हो? बाकी के पैसे दो। छुट्टा तो इसमें से पहले ही आपने निकाल लिया है। बहाने बनाकर पूरा नोट। एक तो फटी हुई नोट दे रही हो, ऊपर से छुट्टा भी मांग रही हो। कमाल की हिम्मत है तुम्हारी, इसमें उंगली डालकर छतरी बन सकती है। तुम नहीं बने, किसी और को बकरा बना। बकरा बनाओ या मुर्गा, मुझे पैसे चाहिए। सुनो इधर आओ, ये दे देगा। इसके पास छुट्टे पैसे नहीं है, इसके पैसे इसे देकर छुट्टे अपने पास रख लो। थैंक यू वेरी मच रत्ना। हाँ हाँ जाओ ऐश करो, मैं छुट्टे लेके। अरे छुट्टे किसके लाएगा? इस नोट के। नोट के बीच में छेद है, जरा खोल कर देख तो सही। बकरा बना गई तुझे, गधे के। पैसे कौन देगा? जाके पूछ उसे। सुन, 80 रुपए भाड़ा भी नहीं दिया, फटा नोट थमा कर चली गई। रेणुकम्मा घाट चलोगे? वो तो माइनिंग एरिया में पड़ता है, क्यों जाना है वहाँ? वहाँ जाकर मुझे सुसु करना है। आओ बैठो, वहाँ जाकर जो करना है करना। बैठो बॉस, जहाँ बोलो छोड़ दूंगा, बस मेरा भाड़ा दे देना। भाड़े में मुझे बिना छेद वाला नोट ही चाहिए। या आई एम सेफ सर, रेणुकम्मा घाट की ओर जा रही हूँ, लेकिन कार खराब हो गई है। वन सेकेंड, और कितनी देर लगेगी? काफी टाइम लगेगा मैडम। मेरी कार खराब हो गई है। और कौन है साथ में? और कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, पास वाले गांव जा रहा था। गाड़ी ठीक करो, निकल यहाँ से। ठीक है, जल्दी जल्दी। रेणुकम्मा घाट की ओर जा रही थी, तुम ड्रॉप कर दोगे? रेणुकम्मा भैया, तुमको जहाँ जाना है वहीं मैडम को भी जाना है। पीछे सीट भी खाली है, मैडम को बिठा लेते हैं। पहले तुम्हें छोड़ दूंगा, फिर मैं मैडम को छोड़ दूंगा, 150 रुपया होगा। अरे तो मुझे वापस कौन लाएगा तेरा बाप? अब्बा तो अल्लाह को प्यारे हो गए। मैं कोई बात नहीं, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। पहुँच रहे हो, दो पैसे कमा रहा हूँ, तो तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? गाड़ी चला, मेरे पेट पे लात क्यों मार रहे हो? वेलकम मैडम। वो जगह यहाँ से कितनी दूर है? 10-12 किलोमीटर है मैडम, फटाफट 1.5 घंटे में पहुंचा दूंगा। ए बैलगाड़ी चला रहा है क्या? तू हट जा, गाड़ी मैं चलाता हूँ। भैया गाड़ी भाड़े की है, ड्राइवर ही चलाएगा। अपनी माशुका मैं पैसेंजर के हाथ में नहीं देता। क्या कहा? गाड़ी और माशुका कोई किसी के साथ बांटता है क्या? जिंदगी का फंडा भी एकदम अंडे जैसा है, उसमें से चूजा निकल सकता है, उसका ऑमलेट भी बन सकता है, क्या होगा कोई गारंटी नहीं। क्या अगर ऐसे गाड़ी चलाओगे तो मेरा ऑमलेट ही बनेगा ना भैया? गाड़ी चलाते वक्त हमारी जिंदगी के बारे में भी तो सोचो भैया। मैडम और मेरी जिंदगी की गारंटी कौन लेगा? अरे भैया जरा सामने देखो। अरे टीपू सुल्तान तू तो बच गया रे, लेकिन ये माशुका तो पहचान में भी नहीं आ रही। तुम्हारी ड्राइविंग देख के ही लगता है तुमने किसी से प्यार नहीं किया। ए माइन उस तरफ है क्या? ये क्या, वो रही सामने, मैं देख कर आता हूँ फिर आगे चलेंगे। क्या हाल कर दिया है तेरा मेरी माशुका, आजा तुझे चमका दूं। सुपर सवारी आ गई, लोगों का खून चूस चूस कर उड़ते रहो आसमान में। मैडम हिम्मत सिंह नाम है, 1000 करोड़ का मालिक है। 1000 करोड़ नहीं, पूरे 1,00,000 करोड़ का है।
मेरे दादा बूढ़े सुल्तान टेलर थे मैडम, मक्का जाना चाहते थे, पैसे ही नहीं जुटा पाए। मेरे अब्बा पीर सुल्तान मक्का बाईपास करके अल्लाह के पास पहुंच गए मैडम। मैं टीपू सुल्तान मक्का जाने की ख्वाहिश में हर रोज एक एक पैसा जोड़ता रहता हूँ। दिन भर पसीना बहाकर सिर्फ 200 रुपए जोड़ पाता हूँ मैं, और इसे देखो 1,00,000 करोड़ लेकर हवा में उड़ रहा है। ए, दिल दिया दीवानों को, दौलत दी हैवानों को, कुत्तों को। टीपू मुझे रेणुकामा घाट जाना है, मेरे लिए कोई दूसरी टैक्सी रुकवा दोगे? 1,00,000 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? टू मच है रे, टू मच। मैं तब तक कुछ फोटोज खींच कर आती हूँ। 1,00,000 करोड़ का तू क्या करेगा? सईदा कहाँ है? क्या सईदा? अच्छा सईदा, यहाँ से सीधे जाओ। मेरा भी वीडियो बनाएगी क्या? बहुत दिनों से हम एक लेडी जर्नलिस्ट को ढूंढ रहे थे, तो वही है ना? अरे अरे सईदा कहाँ? राजा सईदा के बारे में पूछ रहा है। एक ही जुबान काट दी फिर भी समझ नहीं आया तुम्हें? तू ही सईदा है? मैं नहीं हूँ, वो आ जाएगा। सईदा तू है क्या? कलाकार ही हो ना, कमाल की धुलाई करते हो। सिर्फ धुलाई काफी नहीं है, सबको जमीन में गाड़ देना चाहिए। और अगर कोई मर गया तो? लेकिन वो तुम्हारे पीछे क्यों थे? माइनिंग माफिया पर मैं एक डॉक्यूमेंट्री बना रही हूँ, आई एम अ मीडिया पर्सन, इसलिए। अच्छा मीडिया से हो? हिम्मत सिंह लोहे के पीछे और तुम टीआरपी के पीछे कहानियां बनाते रहो। क्या मीडिया झूठ बोलती है? मीडिया की वजह से ही लोगों को सच्चाई पता चलती है। करेक्ट है, करेक्ट है, पता चलता है। कौवे के कितने दांत हैं, गधे के अंडे का वजन क्या है, जो परेशान है उसी से पूछो कि आपको कैसा लग रहा है। देखा, यही सब फालतू की बकवास दिखाते हो, है कि नहीं? What do you mean? मीडिया एक बड़ा सर्कस है, और सर्कस में एक जोकर होता है, और जोकर पब्लिक को ही बनाया जाता है, यही सत्य है। Can't believe this. तो मीडिया को सर्कस कैसे कह सकते हो? ओ भैया, लेट हो रहा है, चलो जल्दी आ जाओ, मीटर दौड़ रहा है भैया। ए टिपू, अब रेणुकामा घाट चलेंगे। हाँ हाँ छोड़ दूंगा, पहले नीचे तो आ जाओ। यहाँ का पानी ऊपर पंप करने से प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ का पानी निकालोगे तो वहाँ की प्रॉब्लम होगी, तुम्हें जो करना करो, लेकिन आज किसी भी हालत में 600 ट्रक भरने ही भरने हैं। लेकिन ऐसा करने में खतरा है सर, गुफा में पानी भर जाएगा, वर्कर्स डूब सकते हैं। हाँ राजू बोलो। यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? जो आदमी पुलिस स्टेशन गया था वो हमारी पिटाई करके गया है, और वो तुम्हें ढूंढते ढूंढते तुम्हारी तरफ आ रहा है। टेंशन मत ले, आने दे, यहीं दफना दूंगा। अबे छोटे, चेक पोस्ट पर ध्यान रखना। मैडम पूरे 1,00,000 करोड़ होंगे ना उसके पास? 1,00,000 करोड़ को अगर सिक्कों में बदल दे तो गिनते गिनते ही मर जाएगा हिम्मत सिंह। अरे भैया उनसे मारपीट क्यों हुई? मैं उनकी जमीन पर सूसू कर रहा था ना इसलिए। अरे बाप रे, इतनी सी बात में हाथापाई पर आ गए, क्या कर सकते? अरे भैया तुम तो नाटक में काम करते हो ना, तो फिर नौटंकी छोड़कर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैडम से पूछो,
मैडम क्या करती है भैया? सर्कस में काम करती है। बेवकूफ बना रहे हो, पता है मुझे सर्कस में काम नहीं करती। ए, इधर आ। जेमिनी सर्कस देखा है? हाँ देखा है। मैडम उसी में काम करती है। क्यों मेरी फिरकी ले रहे हो? क्यों, तुम्हें लगता है मैं नाटक कर रहा हूँ? ले लो और ले लो फिरकी। कहा ना मैडम सर्कस में काम करती है। मेरी फर्स्ट गर्लफ्रेंड के नाम पर इस गाड़ी का नाम रखा है, मक्खन जैसी चलती है। यहाँ पर एक तालाब था ना? अब वो तालाब नहीं रहा, सिर्फ नाम रह गया, माइनिंग की वजह से गायब हो गया। तुम तो शहर से आए हो ना, फिर यहाँ की ये सारी बातें कैसे जानते हो? मेरे दादाजी यहाँ के थे। एक समय में ये जंगल हुआ करता था, यहाँ माइनिंग करके इसे बिल्कुल बंजर बना दिया। आपके दादा भी यही के थे क्या? ये माइनिंग की महिमा है टीपू, यहाँ की मिट्टी से पैसा निकलता है। कहा था ना माशुका है जरा प्यार से चलाना। क्या हुआ? क्या भैया, कार चलाते हो या मजाक करते हो? तुम्हें लाइसेंस किसने दिया? अरे कहा ना, ऐसे कोई गाड़ी चलाता है क्या? बोला ना कुछ नहीं हुआ। गाड़ी चलाता है तब गाड़ी बिल्कुल शोर नहीं करती, और तुमने इसे अंजर ताला लगा के ड्राइविंग की वजह से कुछ यार, तुम नौटंकी छोड़ के ड्राइविंग कभी मत करना, देखो इसका क्या हाल कर दिया है। कुछ तो किया है ना, ऐसे ही गाड़ी से आवाज नहीं आती। एक मिनट रुको, देखो इस बंद रखने के पैसे तो देने पड़ेंगे। अरे इस गुलेल से कार को पत्थर तूने ही मारा था ना, कार को चोट लग जाती तो ये कार नहीं मेरी। शैतान का बच्चा, मेरी दादी आपको ढूंढ रही थी। सब कुछ दादी, क्या आप मुझे जानती हैं? बेटा, तुम्हारे पिता का नाम राम गोपाल था, वो एक फॉरेस्ट रेंजर थे। उस समय तुम बहुत छोटे थे बेटा। तुम्हारी माँ का एक छोटा भाई भी था, चक्रवर्ती। सांप और देवले का मिला जुला रूप था वो। तुम 4 दिनों से गायब थे, कहाँ चले गए थे? वो देखो तुम्हारे जीजा जी आ गए। धंधा करता है ये सब क्या है? ये मूर्ति कहाँ से चुराई? सामान कहाँ से चुराया? मैं पैसों के लिए कुछ भी करूं, किसी को मारूं, तुझे उससे क्या? मैं तुझे गोद में लेकर वहां से भाग निकली, मुझे डर था कि वो तुझे भी मार देगा। फिर सूर्यवंशी जी तुम्हारे लिए भगवान बनकर आए, तुम्हारे पिता ने कभी उनकी मुसीबत में मदद की थी। तुम्हारे माता पिता के साथ उसने मेरे पति को भी खत्म कर दिया। मैंने वहां से दूर भागकर अपनी जान बचा ली। अब मैं अपने आखिरी दिनों में यहाँ लौट आई हूँ, पर यहाँ तो गांव ही उजड़ गए हैं। वो चक्रवर्ती अब कहाँ है? कुछ कहते हैं कि वो कहीं मर खप गया, कुछ कहते हैं कि वो यहाँ से कहीं दूर भाग गया। उसे देखकर पहचान लेगी ना? देखने में पतला दुबला सा था वो, 25 साल में तो चेहरा भी बदल जाता है, देखो तो शायद पहचान जाऊं। बेटा अब समझ में आया तेरे दादा क्यों चाहते थे कि उनकी अस्थियां यहाँ प्रवाहित हो। अपने साथ साथ वो तुम्हारे माँ बाप का तर्पण भी तुमसे करवाना चाहते होंगे।
यहाँ पुलिस ने नाकाबंदी क्यों की है? भैया तुम सच में नाटक में और मैडम सर्कस में ही काम करती है ना? टीपू कोई और रास्ता है? है ना मैडम, वहां से पहाड़ उतर कर पर पैदल जाना पड़ेगा। देविका ए, तू ये रुक, हम अभी आते हैं। यहाँ रुको, पर क्यों? देविका ए, 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 ए लंबू, अरे भाड़ा कौन देगा, मैं मक्का कैसे जाऊंगा? ए लंबू, माशुका को तेल कैसे पिलाऊंगा? अरे चल सर, बुलाने क्यों पकड़ रहे हो भाई? ठीक है ठीक है, देखिए ना साहब, वो मेरा भाड़ा दिए बिना ही भाग गए। कौन? लौंडा नाटक कंपनी में काम करता है और लौंडिया सर्कस में। सर्कस? हाँ सर, वो सुरभि में था और लड़की जेमिनी सर्कस में, जहाँ वो पी 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 ब्यूगल बजता है ना, ठीक है। वो जेमिनी सर्कस से पिकअप किया था, वो मेले के पास से पिकअप किया, मैं के पहले रुके थे क्योंकि उनका लड़का को सुसु आ गई ना। जाओ जाओ जाओ, डिशुम डिशुम हो गई। अब आप ही बताइए सर, सुसु करने पर क्या कोई डिशुम डिशुम करता है? यही रुक, तेरा भाड़ा दिलाता हूं तुझे। छह सौ ट्रक इंतजार कर रहे हैं और तुम लोग खोद नहीं पा रहे हो, इसका कारण क्या है? सॉरी सर, गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? हाँ, जमीन के नीचे प्रॉब्लम हो गई है सर, सभी जगहों पर पानी भर गया है सर, कम से कम 100 आदमी मर गए हैं। मर गए हैं तो मरने दो, हम क्या करें? बॉडीज तो निकलवाइए। बॉडीज के साथ क्या करेगा, शहर में उनका जुलूस निकालेगा? सैदा जाओ, तुम्हें जो करना है वो करो, आधे घंटे में काम स्टार्ट होना चाहिए, कम ऑन फास्ट। ठीक है भैया, आ जाओ। हाँ मिनिस्टर साहब, फॉरेस्ट एरिया क्लियर करवा दीजिए। थैंक यू। मुझे मार नहीं पाया, तू मारेगा? तेरे बाप को मारकर तो जमीन हत्या थी, तू तो फ्री में मरेगा। भैया चक्रवर्ती अब तक जिंदा है, पर मैंने तो उसे मार दिया था, वो कमीना चक्रवर्ती मार चुका है ना। क्यों डर लग रहा है क्या? अपनी मौत से डर लग रहा है क्या? अब तुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। जिस चक्रवर्ती को तू मरा हुआ समझ रहा था वो अभी जिंदा है। भैया वो रहा, वो जानता है चक्रवर्ती कहाँ रहता है, पकड़ो उसे।
दूसरा वाली है जो पहले आई थी। लगता है दोनों घाटी से नीचे गिर गए हैं। मैडम, मैडम। भैया, उसने हमारे बारे में काफी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर ली है। हमारे बैकग्राउंड को अच्छे से जान गई थी, जरूरत से ज्यादा जानती है। भैया, वो पुलिस वाले आ गए। नमस्ते सर। आओ विजय कुमार। रिटायर होने में कितने साल है? 5 साल बाकी है सर। बाल बच्चे सब ठीक हैं? सब ठीक हैं। चक्रवर्ती का एनकाउंटर करने के लिए मैंने तुम लोगों को 25 लाख दिए थे, याद है ना? बिल्कुल याद है। और चक्रवर्ती ने कितने दिए थे? चक्रवर्ती एनकाउंटर न करने के लिए चक्रवर्ती ने कितने पैसे दिए थे? उसका तो एनकाउंटर कर दिया था सर। एनकाउंटर कर दिया था तो वो जिंदा कैसे है? जिंदा कैसे हो? कितना दिया उस चक्रवर्ती ने? 1 करोड़। चक्रवर्ती मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए, जिंदा या मुर्दा। ठीक है भैया। और वो जर्नलिस्ट और वो लड़का भी, अगर वो जिंदा रहे तो हम समंदर चले जाएंगे। ढूंढ निकालो उन दोनों को, जाओ। क्या हाल है भाई, कैसा चल रहा है? एलेक्स, देविका के साथ तुम ही गए थे ना वहाँ शूट पर? मुझे तो चैनल ने शूट करने के लिए कहा था। और तुम्हारी किसने मदद की थी बताओ? बताता है कि नहीं? भाई, लड़का अच्छा है, पढ़ा लिखा है। क्या खूब। बात यह है कि सईदा ने उसके चाचा की जुबान काट दी, इसलिए गुस्से में। आज रात मैं तुम्हारे साथ प्रेम लीला करूंगा प्रिये। आज की ही रात क्यों? आज से हर रात मैं तेरे ऊपर अपने प्रेम की वर्षा करूंगी। क्या कृष्णा किसी लेडी जर्नलिस्ट को जानता है? नहीं भाई, वो तो यहाँ पे नया है। चल, हुआ है हमारे साथ कपट। जो तेरे लिए है यंग धोखा है किचक। अब तेरे साथ अंतिम न्याय हुआ है। हमारे साथ छल हुआ है। हिम्मत सिंह जी नहीं आ रहे, कोई लोकल लीडर आपका सम्मान करेगा। अरे ग्लैमर का क्या होगा? उसके लिए रत्ना है ना सर। नमस्कार गुरुजी। हाँ नमस्ते रत्ना, सब ठीक है ना? सिपाही के गेटअप में आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। सिपाही का गेटअप नहीं है, भीम का गेटअप है। इसमें भी आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। अरे ए फ्री फंड के पैसेंजर, वो लंबू कहाँ गया? वो तुम्हारे साथ ही तो गया। मेरे साथ गया था तो कहाँ है? मेरे पास है क्या? मेरी जेब में है, देख ले। चलो सुनिए सुनिए, मेरी बात खत्म नहीं हुई ना, तो बात करने दीजिए ना। मना कौन कर रहा है? लेडीज के सामने बेइज्जत क्यों कर रहे हो? अरे मैं तो सम्मान दे रहा था। भैया, तुम चाहे नाटक करो, चोरी करो, डाका डालो, मुझे मेरे पैसे दे दो। पैसे क्यों मांग रहा है? क्योंकि मैंने तुम अपना मुंह बंद रखो। तुम्हें पैसे चाहिए ना? हाँ, तुम जाओ, मैं देता हूँ इसे पैसे। ये दे देंगे, ले लेना। हा? पहले बोला वो लंबू पैसे देगा, अब कह रही हो ये जंबो पैसे देगा। कहाँ से देगा ये पैसे? हाँ ये जरूर देंगे गुरुजी, इसे बस 80 रुपए देना। 80 ना? कितना कितना कितना? 80 रुपए। सिर्फ 80 रुपए? 80 रुपए ही उधार है तुम्हारे। ऊपर से 20 रुपए टिप, मैं तुम्हें 100 रुपए देता हूँ, खुश रहो। बाकी 4,900 क्या तेरा बाप देगा? मेरा बाप क्यों देगा? 8,000 हुए हैं, शहर से गाँव तक घुमाया था वो लड़की और वो लंबू। गुलेल से बच्चे ने कांच तोड़ दिया। तू कृष्णा को कहाँ छोड़ाया? जाके सईदा से पूछो, मुझे मेरा पैसा दे दो। सऊदी? वो तो अमेरिका जा रहा था। पर कृष्णा को कहाँ छोड़ा तूने? सऊदी नहीं, सईदा होगी कोई नाचने गाने वाली। मुझे मेरा पैसा दो। नहीं, मुझे मेरा पैसा चाहिए। 5,000 चाहिए। अब कैसी है तबीयत बेटा? अरे कोई गर्म पानी लेकर आओ। तुम इसकी चिंता मत करो बेटा, थोड़ी देर में होश में आ जाएगी। मेरी तो माँ है, हमें सुलाती है या? फिक्र मत करो, वो ठीक हो जाएगी। ये क्या कर रहे हैं? मैं कुछ छिपा रहा हूँ। क्या? इस मिट्टी को वो साले ये चुरा कर ले जाना चाहते हैं। जब भूख लगती है तो ये मिट्टी अनाज पैदा करती है, मिट्टी जीवन है। इसलिए मैं इसे ले जाकर पानी में छुपा देता हूँ। इनका नाम पंडित राजू है, इन्हें मिट्टी राजू कहते हैं। जैसे लोग पैसे बचाते हैं वैसे ये मिट्टी बचाते हैं। थोड़े से पागल हैं। तुम वहाँ चल के बैठो, मैं खाना तैयार करके बुलाती हूँ। तुम लोग शहर आ रहे हो कि नहीं? नहीं आ रहे, हम यहीं पैदा हुए थे और यहीं पे मरेंगे। आधा जंगल तो जल गया है, अब यहाँ क्या करेंगे? शहर में जाके क्या करोगे? मरते वक्त कोई पास तो होगा, शहर में जियो या मरो कोई परवाह नहीं करता। पर यहाँ पर हमें कोई जीने भी नहीं देता। यहाँ बैठ। ठीक है, ये यहाँ से जाने की बात कर रहे हैं। अब तुम ही बताओ, कोई बेटा अपनी माँ को छोड़ के कैसे जा सकता है? आपकी बात बिल्कुल सही है, आप यहीं पर जीना चाहते हैं,
पर अपने परिवार के लिए इनका जाना जरूरी है, बस इतनी सी बात है। हमारा दाना पानी भी तो हिम्मत सिंह ने बर्बाद कर दिया, ये जला हुआ जंगल शमशान बन गया है, हमें यहाँ से जाना ही होगा। बेटा त्योहारों के दिन में अभी अपना परिवार छोड़ के मत जाओ। पर त्योहार मनाएंगे कैसे, ना तो खाने को दाना है ना पीने को पानी, और आपको त्योहार की पड़ी है। भले ही जिंदगी दुखों से भरी हो पर हम त्योहार तो मनाते हैं। पर जिस राक्षस ने ये काम किया है वो अभी जिंदा है, हिम्मत सिंह, उसके मरने के बाद ही हम त्योहार मनाएंगे। दुर्गा ने राक्षसों को मारा था, राम ने रावण को मारा था, ये हम सब जानते हैं, और आज हम सभी उनकी मौत पर त्योहार मनाते हैं। इसी तरह चाहे हिम्मत सिंह हो या कोई और, उस बुराई के राक्षस को मारकर हम अपना त्योहार मनाएंगे। ऐसा कैसे करेंगे? दशहरे में हम रावण का पुतला जलाते हैं, पर आज हम हिम्मत सिंह का सिर फोड़कर त्योहार मनाएंगे। हे दमड़ू, इसका वध करेगा? याद है ना, मैं वही हूँ। कुछ दिनों पहले हम जंगल में मिले थे, कुछ याद आया? आज फैसले की घड़ी आ गई है दमड़ू। ये सिर उसी का है जिसने तुम्हारा घर जलाया और जंगल जलाया। फोड़ दो, फोड़ दो, फोड़ो। सर तोड़ दिया साले का। ये देखो मिट्टी चोर हंस रहा है, खुशियां बनाओ। क्यों दादा, आप भी फोड़ोगे? हिम्मत सिंह का सर फोड़ोगे ना? आओ। हिम्मत सिंह को मारना चाहते हो ना, मारो। अब देख क्या रहे हो, सिर को फोड़ दो। चाहती हूँ इसे हम छोड़ दें जिसने हमें जिंदा लाश बना दिया? मिट्टी राजू, हे मिट्टी राजू। आगे बढ़ो काका, इसका सिर धड़ से काट कर अलग कर दो। सोचो मत दादा, हम गरीबों का खून पिलाकर इनको पाला है उसने, इसकी चीख उसे सुनाई देनी चाहिए। शिकार सामने है, मार दो। जैसे आप मिट्टी बचाते हैं, उसी तरह अपने गुस्से को भी बचाइए, ताकि आप हिम्मत सिंह को मौत के घाट उतार सकें। वो हमें कम मिलेगा। दिल में लगी हुई आग दिखाई नहीं देती, लेकिन तब तक जलती है जब तक चिता पर शरीर जलकर खाक नहीं हो जाता। अब उसके पाप का घड़ा भर गया है, वो छुप नहीं सकता। धीरज रखो दादा, चल जा, जाके बता दे हिम्मत सिंह को। सब तैयार रहो, चलो चलो जल्दी निकलो, सारी जगह छान मारो, हमें उसे आज ही पकड़ना है। ध्यान से देखो, यही कहीं छिपा होगा।
बाजू हट। हर कोई एक्टिंग करने चला आता है, बस पंखे की तरह घूमते रहो। या मॉडलिंग करने आई हो क्या? रति और कामदेव तो बहुत बहुत रोमांटिक थे। अब देखो, कौन है वहाँ? कौन डिस्टर्ब कर रहा है? अबे नाटक वाले होकर लड़ाई झगड़ा क्यों करते हो? तो आपने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट क्यों नहीं लिखी? अबे मैं अपनी मन मर्जी करूंगा, अब बता कहाँ है वो? जाने दीजिए। Hey, what is this? ये क्या डिस्टर्बेंस है? अपना रिहर्सल कहीं और जाके करो। रति कामदेव को तुम लोग रिहर्सल नहीं करने दोगे क्या? आप कामदेव बने? कामदेव लग रहा हूँ ना? थोड़े नाटे हैं आप, पर सलमान खान की तरह बहुत हैंडसम लग रहे हैं। तुम थोड़ी लंबी हो पर कटरीना से ज्यादा अच्छी लगती हो। तू कौन है कालिया? हवलदार का रोल कर रहा है? कौन सी नाटक मंडली से है? हवलदार की एक्टिंग भी आती है क्या? चिल्ला क्यों रहा था? उलुलुलुलु क्यों कर रहा था? गेटअप तो ठीक है, डायलॉग बोल पाता है कि नहीं? चल बोल के दिखा, कहाँ से उठा रहा है इस गेंडे को? आदमी और एलियन के बीच का दिखता है। डायलॉग बोलो तो जरा, इमोशन के साथ, चिल्लाना नहीं। बोलना, घूरता क्यों है? बोलती बंद हो गई क्या मुझे देखकर? इसने झापड़ क्यों मारा? ये असली पुलिस है। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? कोशिश की थी। आप बहुत हैंडसम है सर, क्या पर्सनालिटी है आपकी, वर्दी को बहुत सूट करती है। मुझे लगा ये वर्दी किसी नौटंकी वाले ने पहन रखी है। अरे अरे सुन, जब वो आया उसे पुलिस स्टेशन भेजना। किसे पुलिस स्टेशन भेजना है सर? कृष्णा को। कौन सा कृष्ण? महाभारत वाला या गोपियों वाला? मारना मत सर, कामदेव के गेटअप पे हाथ उठाओगे तो गोरे हो जाओगे। कृष्णा को बता देना कि सर जी ने चाय पे बुलाया है, आप जाइए, हम भेज देंगे सर। और सुन, अगर वो नहीं आया ना तो आकर सबकी चमड़ी उधेड़ दूंगा। अभी चल हट। सब लोग बैठे रहे। बाबा अब हम लोग शहर जा रहे हैं, गुस्सा शांत हो गया? अरे कृष्णा ने कह दिया इसलिए तुम सबको शहर जाने दे रहा हूँ, जाओ खुश रहो। कृष्णा दो पीढ़ियों के बीच यही तो फर्क है, अपने समय में तो हम लोग आजादी के लिए लड़े थे, कहाँ मिली आजादी, और हमारे ये बच्चे इस लड़ाई को छोड़ करके यहाँ से भाग रहे हैं, अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। पंछी और जानवर जैसे चाहे जी सकते हैं, पर हम तो इंसान हैं, केवल हम ही नहीं हमारे रिश्तेदार, पास पड़ोसी सब खुश रहने चाहिए। आप लोग यही रुकिए, जीप यही आएगी। ठीक है। देखो कितनी खूबसूरत जगह है, वो इसको भी बंजर बना देंगे। देविका, चक्रवर्ती कैसा दिखता है? प्रसाद सर से पूछ कर देखती हूँ, शायद उनके पास उसकी कोई फोटो हो। हम उनसे मिल सकते हैं? पाटिल और चक्रवर्ती के बीच क्या रिलेशन है? बच गया कमीना, तुम जिंदा हो ये वो जान गया है। उसे मारना ही होगा, मारना ही होगा किसी भी हालत में। आज अगर वो हमारे हाथ नहीं लगा तो कभी हाथ नहीं आएगा। अब की बार बचना नहीं चाहिए। इस बार नहीं चुकेंगे। क्या ये काम करेगा? क्या ये काम करेगा? डायनामाइट है ये, पहाड़ों को भी चीर कर रख दे। एक और खास बात जो मुझे बतानी है, चक्रवर्ती जिंदा है या मर गया? हिम्मत सिंह के अलावा कोई और भी पूछ रहा था। कौन है? नाम बता। क्या चक्रवर्ती को मारकर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? हाँ सॉल्व हो जाएगी, असल में मेरी प्रॉब्लम मेरा गुस्सा है। जैसे घड़े पर उन्होंने अपनी भड़ास निकाली, मैं भी वो कर चुका हूँ। मिट्टी राजू ने घड़े में हिम्मत सिंह को देखा, मैंने चक्रवर्ती को देखा, उससे मिलते ही मार दूंगा। चक्रवर्ती तक पहुंचने में प्रसाद हेल्प करेगा ना? तुमने उसे जर्नलिस्ट जानकर हेल्प की थी, उसने सीबीआई को इन्फॉर्मेशन दे दी, जिसके साथ हम काम कर रहे हैं अगर उसे ही ना जाने तो यही होगा ना प्रसाद? स्मोक करते हो, सेहत के लिए अच्छा नहीं, दे दो। देविका और क्या जानती है? वो सब जानती है, कैसे तुमने छोटा मोटा धंधा किया और धीरे धीरे कैसे तुम आज लाखों करोड़ों के मालिक बन बैठे हो। तुम्हारा क्रिमिनल कैरेक्टर भी वो जानती है, वो सिर्फ उस माइनिंग के बारे में ही नहीं जानती जो दिखता है,
बल्कि उसके बारे में भी जो तुम अंडरग्राउंड कर रहे हो। मतलब सब जानती है, चक्रवर्ती से मिल चुकी है। चक्रवर्ती से शायद वो मिली हो, या हो सकता है ना भी मिली हो। नौटंकी वाला कृष्णा और देविका के बीच क्या रिश्ता है? कृष्णा, कृष्णा और देविका का क्या संबंध? उस दिन वो मुझे पुलिस स्टेशन में मिला था। वो एक धधकते हुए अंगार की तरह है जो किसी से नहीं डरता। जर्नलिस्ट प्रसाद ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया सर, कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है। मीडिया वाला है ना सर, मामला जल्दी रफा दफा करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। जी सर। प्रसाद सर को बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। कांस्टेबल, बॉडी नीचे उतारो। कृष्णा, यही प्रसाद है। अब यहाँ से सीधे पुलिस स्टेशन चलते हैं। बेचारा बेमौत मारा गया। इनकी मौत पर दुख नहीं होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। हेलो सर, देविका बोल रही हूँ। देविका, आर यू ओके? प्रसाद सर को मार दिया गया है। मुझे पता चल चुका है, तुम्हारा अभी वहाँ रुकना सेफ नहीं है। मैं अभी मुंबई के लिए निकल रही हूँ, वहाँ पहुँच कर आपको फोन करूँगी। मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है सर। तुम जल्दी यहाँ पर चली आओ। ओके सर, मैं अभी निकलती हूँ। कृष्णा, हमें जल्दी टीपू को ढूंढना होगा। मेरा बैग और लैपटॉप उसी की टैक्सी में है, उसमें ढेर सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। वो सब भूल जाओ देविका। तुम्हें डर है कि वो मुझे भी मार देंगे? लेकिन मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। देविका प्रसाद इसलिए मरा क्योंकि वो तुम्हारी मदद कर रहा था। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें छोड़ देंगे? तुम्हें ये सब देख के गुस्सा नहीं आता है? गुस्सा आता है देविका, हर दिन हर पल, रोज नई खबर, रोज नया गुस्सा, हर पल गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। जंगल में तो कई तरह की बातें की थी कि गुस्से को दबाओ। हाँ कहा था, तो उसमें क्या गलत कहा मैंने? मेरी बात सुनो, मैं मानता हूँ हिम्मत सिंह जालिम इंसान है, लेकिन उसे पकड़वाने में मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। उससे मेरा बदला पूरा नहीं होगा देविका। क्या मतलब? सब कुछ देख कर भी मैं चुप रहूं? कौन ईमानदार है देविका? आज की दुनिया में ईमानदारी कौड़ियों के भाव बिकती है, और मेरी सोच एक आम आदमी की तरह, समझ गई? हिम्मत सिंह क्या कर रहा है? उसे मौका मिला और वो लूट रहा है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें जन्म देने के लिए माँ ने 9 महीने तकलीफ सही, और कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि वो माँ बाप की पल भर की मौज मस्ती का नतीजा है। दोनों ही सही है, पर जो माँ के दर्द को समझते हैं वो इंसान है, और शरीर की भूख समझने वाले हैवान है। मुझसे तो कह दिया छोड़ दो, क्या चक्रवर्ती के ऊपर गुस्से को तुम छोड़ सकते हो? जब तुम पर गुजरेगी तब समझोगे, और एक दिन ऐसा जरूर होगा कृष्णा। तुम सब कुछ छोड़ सकते हो, शायद एक दिन मुझे भी। की बीवी ये हिम्मत सिंह पर अपने पति के खून का इल्जाम लगा रही है। वो तो सुसाइड है, हमें उसका सुसाइड नोट भी मिला है। वो सुसाइड नहीं कर सकते, पहले उन्हें मार दिया फिर बॉडी को लटका दिया। क्या तुमने देखा, कोई गवाह है क्या? आपको इसके लिए गवाह क्यों चाहिए सर? गवाह नहीं है, जाओ सुन रहा नहीं है सब? तेरी ड्रामा कंपनी में काम करने लायक है ना ये? अब तेरी समझ में आया हिम्मत सिंह से पंगा लेने का अंजाम? तुमने हिम्मत सिंह के आदमी को पीटा? बहुत अच्छा किया, मेरे पति ने तुम्हारे जैसों के लिए अपनी जान दे दी। मुझे उनका पोस्टमार्टम करवाना है, मैं ये बात प्रूफ कर दूंगी कि मार कर लटकाया है उन्हें। कैसी बीवी है तू? पोस्टमार्टम के लिए उसके बदन के टुकड़े टुकड़े करके सह पाएगी तू? औरत है कि डायन? उनके क्या, मेरे शरीर के भी टुकड़े हो जाए तो परवाह नहीं, वो मेरा पति था। मैं जमीन आसमान सब एक कर दूंगी, पर उन्हें न्याय दिलवाऊंगी। ये तेरी बेटी है, ये भी कल मर सकती है। अब इसका रेप हुआ या रेप नहीं हुआ उसका पता करने के लिए इसका, अरे मुझे मारती है तू?
तूने इसे छूने की कोशिश की और तुझे थप्पड़ पड़ गया कमीने। अगर इसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो तेरी जान ले लूंगी। ए गावड़े, कहाँ है वो नौटंकी बाज? कहाँ है? यही है वो कमीना जो कर रहा था। चल बैठ। जानता है मैं कौन हूँ? नहीं। तो झगड़ा क्यों किया? मुझे लगा तेरे झगड़े के पीछे कुछ होगा। सुना है तू अनाथ है, मेला खत्म होने के बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। सुना है कि तेरी नाटक मंडली भी चली जाएगी। अगर हमने उसकी जीप काट दी तो तुझे क्या? उसने हिम्मत सिंह का अपमान किया था। ये पैसे रख और दफा हो। मेला खत्म होने के बाद चुपचाप निकल जा। अबे ले ले, ड्रामा मत कर, पैसे ले ले। इतना पैसा पूरी जिंदगी में नहीं देखा होगा। चल उठा ले पैसा और जाके उसको दे दे। चल जा। तू अपनी कंप्लेंट वापस ले ले। तेरे आसपास जो हो रहा है उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो तेरी नाटक मंडी के एक एक कलाकार को जिंदा दफना देंगे। चल जा, जान बचा। ये बहुत जिद्दी है। अरे हमारी तरह है लेकिन थोड़ा फटका हुआ है। चल। डाल भैया, रुक क्यों गया? डाल दे। हो तो गया टीपू। कैसे हो गया? मैं क्या अंधा हूँ लल्लू? 100 रुपए में अभी 80 पैसे बाकी है, डाल दे। अरे दो बूंद से तुझे क्या फर्क पड़ेगा? सुसु करते वक्त 2 बूंद रोक लेता है क्या? तेरी बात सुन, सुसु करते वक्त 2 बूंद भी नहीं रोक पाता ना, फिर डीजल डालने में क्यों रोकता है? ये ले 100 रुपए, चल 80 पैसे वापस दे। ले लेना। अरे तू कभी नहीं बदलेगा और ना बदलेगा तेरा ये डब्बा। बचा ले मुझे। तुम मुझसे छिप क्यों रहे हो? मैडम, सीएम के पीछे सिर्फ पुलिस चलती है, पर तुम्हारे पीछे तो पुलिस भी पड़ी है और शहर के सारे गुंडे भी। मैं अपना बैग तुम्हारी टैक्सी में भूल गई थी, वो कहाँ है? मैडम, तुम सिर्फ अपना बैग ही नहीं भूली थी, मुझे किराया देना भी भूल गई थी। कुछ याद आया? पैसे मैं दे दूंगी, बैग सेफ है ना? बैग सेफ है, पर वो लंबू कहाँ है जो उस दिन तुम्हारे साथ था? मैडम अपना बैग चेक कर लो, लेडीज बैग को कभी हाथ नहीं लगाता ये टीपू। टीपू, मुझे मुंबई जाना है, ले चलोगे प्लीज? मुंबई जाना है, भाड़ा मिलेगा ना? जरूर ले चलूंगा, आइए। बस बस बस, ये रोक लो। आराम से, ठीक हो ना? आराम से। आप कैसे हैं? तबीयत ठीक तो है ना? कृष्णा, वो कहीं काम से गया है, बस थोड़ी देर में आता ही होगा, आप आओ। ए स्वामी, आज तुम लोगों का नाटक होगा कि नहीं? कृष्णा का कुछ पता चला? उसके आते ही बताना। अरे वो नहीं आता है तो जाने देना, मैं हाजिर हूँ ना यहाँ। जानते हो कुछ पर्सनालिटियों पर सारे कैरेक्टर सूट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिनेमा में बच्चन है तो नाटक में मैं। गुरुजी नमस्कार। नमस्ते, कैसे हैं आप? रत्ना, तुमने कभी मेरे साथ एक्टिंग करने का सपना देखा है? अब देखो, क्योंकि तुम्हारा नाम इतिहास में आएगा। तुम्हारे पास पेन पेपर है? नहीं, पर किस लिए? मेरी भविष्यवाणी उस पर लिख लो, भविष्य में लोगों को बताना। ओके। अरे कृष्णा। अरे यहाँ कैसे, ये लंबू इधर क्यों आ रहा है? अब तक तो इसे 9:11 हो जाना चाहिए था। कृष्णा भागने वालों में से नहीं है, भगाने वालों में से है। इस बात को डायरी में लिख लेना, अब हमें अपने नाटक की रिहर्सल करनी है। अरे सुनो जरा, कृष्णा वापस आ गया है। ये खुद ही 9:11 हो गई। मेरे नहले पे इसने दहला मारा, यहाँ रुका तो ठुका। कृष्णा बाहर तो बहुत गड़बड़ है, आज के नाटक का क्या होगा? ए तू कहाँ चला गया था? हेलो, एक मिनट, पुलिस तुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आई थी, आखिर बात क्या है? बताओ आज रात नाटक कर रहे हो या नहीं? हम ये नाटक कैसे कर पाएंगे? इनकी हालत तो देख ही रहे हो तुम, और ये कृष्णा तो अभी लौटा है। नाटक होगा, हम करेंगे नाटक। यही नाटक करने आया था, बिना इसका मतलब समझे। मुझे घमंड था कि लोग मेरी परफॉर्मेंस पर ताली बजाते हैं। नहीं, चाहे 100 लोग इस नाटक को ना समझे, पर अगर एक भी चुपचाप बिना ताली बजाए इस नाटक की गहराई को समझ सके तो उस इकलौते के लिए मैं ये नाटक करूंगा। मैं समझूंगा कि वो इकलौता मैं हूं। चाचा, जानते हैं ये नाटक दादाजी ने मेरे लिए लिखा था, अब मुझे इसका मतलब समझ में आया। ये मेरी अपनी कहानी है, दादाजी ने अपने बच्चे की तरह पाला मुझे,
वो कहते थे कि हर जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए, मैंने गलती की। काश वो आज यहाँ होते, मैं उनके पैरों पर गिर गिर कर माफी मांगता, अपने उन 25 सालों को फिर से जीना चाहता। ओ मैडम कैमरे वाली, कार में से किसकी फोटो खींच रही हो? अच्छा तुम मुंबई जा रही हो तो फिर तुम्हारे सर्कस का क्या होगा? टीपू तुम इससे फास्ट नहीं चला सकते क्या? इससे फास्ट चलाना है? जरूर चला सकता हूँ मैडम। हाँ मैडम 35 मैडम, मैडम 40 पे चल रहे मैडम, और फास्ट चलाऊं? मैडम बुड्ढा जिंदा है या मर गया? संभल के जाना। मैडम ओके है या नॉट ओके बताइए ना मैडम, वो ठीक तो है? सब ठीक है टीपू। दोबारा कभी गाड़ी इतनी फास्ट नहीं चलाऊंगा। कि हिम्मत सिंह आज मरने वाला है। और तुम कैसे मरोगे? हाँ तुम भी एक क्रिमिनल हो जिसने अपनी बहन का कत्ल किया। मैंने? कृष्णा जो तुम्हारा भांजा है अब वो भी क्रिमिनल बन जाएगा क्योंकि वो तुम्हें मारने पर तुला हुआ है। तो फिर बुलाओ उसे यहाँ, बुलाओ उसे यहाँ, हम दोनों मिलकर मारेंगे उस चक्रवर्ती को जिसने उसके माँ बाप को मार दिया और मेरी जिंदगी को नर्क से भी बदतर बना दिया। वो मेरी जिंदगी जी रहा है, मैं चक्रवर्ती नहीं हूँ, वो है असल चक्रवर्ती और असली हिम्मती मैं हूँ, असली हिम्मती। चक्रवर्ती मेरा दोस्त था, बाबू के माँ बाप को मारने के बाद वो मेरे पास आया। चक्रवर्ती के आगे पीछे कोई नहीं, उसे एक नई पहचान की जरूरत थी, अच्छी या बुरी। मैं नहीं जानता था कि वो मेरी ही पहचान चुरा लेगा। हिम्मत सिंह एस्टेट, हिम्मत सिंह ग्रेनाइट, हिम्मत सिंह माइस, जो भी मेरा था वो सब उसी का हो गया। उसने मुझे फंसाने के लिए अपने ही मोहरे से मेरी शादी करवाई। ये तुम्हारे लिए? मुझे ये सब सही नहीं लग रहा है। क्या? हमारा ये बिजनेस करने का तरीका, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और मैं अपने होने वाले बच्चे की नजरों में गुनाहगार नहीं दिखना चाहता। तो क्या करें? मुझे अपना हिस्सा चाहिए,
मैं एक नई जिंदगी शुरू करूँ। हिस्सा चाहिए? सब कुछ तो तेरा ही है, दोस्ती में कैसा हिस्सा? ये देख, सब कुछ तेरे नाम पर कर दिया है, अब मैं तुझे क्या हिस्सा दूँ? तू पागल है? सब कुछ मेरे नाम करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि तू मेरा दोस्त है। चक्रवर्ती नाम के एक आदमी ने जंगल में 3 लोगों को मार डाला है। हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो वहां स्मगलिंग कर रहा था। कौन है ये चक्रवर्ती? वो बताओ, तुम दोनों में से कौन है चक्रवर्ती? मेरा नाम है हिम्मत सिंह और ये है चक्रवर्ती। ए, ए, ये क्या बोल रहा है? मैं हिम्मत सिंह हूँ, ये चक्रवर्ती है। यकीन नहीं आता तो मेरी बीवी से पूछ। तुम बताओ चक्रवर्ती कौन है? मैं ही हिम्मत सिंह की बीवी हूँ, यही चक्रवर्ती है सर। ये क्या बोल रही है? चल ना, पकड़ जा, ले जाओ इसे। चल चक्रवर्ती को, चक्रवर्ती को। उसी की वजह से उसका भांजा बाबू अनाथ हो गया, लेकिन मैंने तो अपने आप को ही खो दिया। जल्दी करो, मारने ना भाई। क्या उसे मारना गुनाह है? उससे मिलने का तो बहुत मन है, पर वो मुझे मेरे असली नाम से बुलाएगा, जो मैं नहीं सुनना चाहता। इसलिए कृष्ण ने पार्थ को वचन दिया, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। धर्म को बचाने के लिए हर युग में मैं ही जन्म लूंगा, बार बार। अब सोच, बार बार रात हो चुकी है, हर बार। कृष्णा सुन रहे हो? ये नाटक सिर्फ कहानी नहीं, इसमें जिंदगी का रहस्य छिपा हुआ है। क्या कहा? सोचता था कि दादाजी ने एक नाटक लिखा होगा, मैं गलत सोचता था। मैं अपनी ही तलाश में दर दर भटक रहा था और मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। देव मतलब मददगार, एक छोटी सी मछली मदद के लिए आई और देवता बन गई। एक सुकर ने मदद की वराह के रूप में और महाविष्णु अवतार बन गया। दादाजी ने देवताओं के बारे में नहीं लिखा है, मदद करने की बात की है। वो एक औरत थी जिसे मेरी मदद चाहिए थी और मैं मूर्ख इनकार कर गया। मैं लायक नहीं हूं इस नाटक को करने लायक, मैं नहीं हूं, नहीं। ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो बेटा। जब लोग नाटक कंपनी छोड़कर अपने अपने रास्ते जा रहे थे, तब उन्हें रोकने वाले तुम ही थे बेटा। जब गुंडों ने हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो सब डर गए थे, उस वक्त तुम्हें ने तो उनका सामना किया। राक्षसों को खोजकर उनका वध करना, यही तो देवताओं का काम है और यही जगत गुरु की शिक्षा भी है। ये डायलॉग्स तो याद कर लिए ना? हाँ कर लिया दादा। चाचा की तरह जम के एक्टिंग करना। हाँ कर लूंगा, अब चिंता मत करो। आप ये रोल नहीं कर सकते चाचा, कोई बात नहीं चाचा, समझिए ना। चाचा समझने की चाचा चाचा समझ में नहीं आ रहा है, अब आप कोई रोल नहीं कर सकते, आपके बस का नहीं है, छोड़ो इसे। We'll be right back.
फद्दू कैसे? जब तो मुझे जानता ही नहीं तो मारेगा क्यों? इसने मेरे चाचा की जुबान काटी थी और ये पाटिल को भी जानता है। वो क्यों चाहिए तुझे? चक्रवर्ती का दाहिना हाथ है वो। चक्रवर्ती? वो क्यों चाहिए तुझे? वो मेरी माँ का भाई है। तेरा मामा है वो? उसी आस्तीन के सांप ने मेरे माँ बाप को मारा है। साले नौटंकी बास, एक्टिंग मत। लोगों को खुश करने के लिए हम नाटक करते हैं, तुम्हारी तरह दूसरों की जिंदगी से नहीं खेलते। हिम्मत सिंह, उस दिन तुम देर से आए थे। मैं अब जो नाटक करने जा रहा हूँ वो मेरे दादाजी ने लिखा था। देवता का पशु बनना और पशु से कैसे मनुष्य बना जाता है, ये इस नाटक का सारांश है। ये मेरे जैसों के लिए और तेरे जैसों के लिए है। आ, देख कर जा। आऊंगा, जरूर आऊंगा, तेरे लिए देखूंगा। कृष्णा, विजयदशमी का दिन मेरे लिए बहुत ही शुभ होता है। उस रोज कलाकारों को मैं खुद भेंट देता हूँ। तेरी भेंट होगी चक्रवर्ती। तेरा मामा है ना वो? उसे मारना है या फिर जिंदा छोड़ना है, ये तेरे ऊपर है। अब जा, लोग इंतजार कर रहे हैं, अपना नाटक दिखा। हीरो कहाँ है? वो लंबू सर। मैडम का लगेज सर। लेकिन दीपिका, मैडम को वो गुंडे ले गए। हिम्मत सिंह के बगल में बैठा है, उसके साथ कैसे निपटना है तुम जानते हो। अफसोस है कि तेरी जिंदगी मैं जी रहा हूं, इसलिए अपनी मौत तुझे दे रहा हूं। खुश है ना? दोस्त हिम्मत सिंह, ये मेरा भांजा कृष्णा है, पर ये समझता है कि तू इसका मामा है। अगर तू ऐसे ही मर गया तो लोग कहेंगे मैंने मारा है, और जब तेरा भांजा तुझे मारेगा तो कहेंगे फैमिली मैटर है।
कृष्णा तू मेरा भांजा है, लाखों करोड़ों का वारिस। मैंने तेरे माँ बाप को मारा था, लेकिन तू अपने आज को देख, अपने भविष्य को देख। ये दुनिया बहुत बड़ी है, बेवकूफी मत कर, लाखों करोड़ों का मामला। तुमने सही कहा था, जब मेरे ऊपर बीतेगी तभी समझूंगा। इसके पाप की शुरुआत मुझसे हुई थी, अब उसका अंत भी मैं ही करूंगा। नाटक दिखा रहा है, तरस खाकर तुझे छोड़ दिया था और अब तो मुझे मारेगा, इसे मरते हुए देखेगा। मां जी को जानता है तू? कभी मिट्टी राजू को देखा है? अगर किसी की मौत पर कोई रोने वाला हो तो वो इंसान उसकी यादों में जिंदा रहता है, लेकिन अगर लोग किसी के मौत का इंतजार करें तो ऐसी जिंदगी मौत से भी बुरी होती है। खून बहाने में मजा आता है ना तुझे? आ बहा खून मेरा, आ जा। मामा को छोड़ दे कृष्णा, मुझे जाने दे प्लीज। देख, हम दोनों का एक दूसरे के सिवा कोई नहीं है, है ना? चक्रवर्ती के पीछे कई बड़े लोगों का भी हाथ था, उन सबको अरेस्ट कर लिया गया है। इस ऑपरेशन के सक्सेस में सीबीआई की कई लोगों ने मदद की। दादाजी आपको पता है, इस भगवान ने राक्षस को मार के बाहर से नीचे फेंक दिया था। वो कौन से देवता थे? जब धरती पर पाप बहुत बढ़ जाता है ना, तो उसे मिटाने के लिए भगवान खुद अवतार लेकर यहाँ आते हैं। उनका नाम क्या है दादा? मिट्टी का देवता।
मिट्टी का देवता है ना।